नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मकर राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे हैं। और मकर राशि 22 से 31 दिसंबर 2019 साल का अंतिम सप्ताह, यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न राशि पर आधारित है। और इस राशिफल को देखकर आप जान पाएंगे कि दिसंबर के बचे हुए जो दिन हैं, यानी दिसंबर 2019 की जो बची हुई तारीखें हैं, वो किस प्रकार के परिणाम आपको देने वाली हैं। तो चलिए शुभारंभ करें। शुभारंभ करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले निशान के बटन को दबा दें, ताकि 2020 में भी आप बढ़िया बढ़िया जानकारियां पाते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपको, आपके परिवार को मेरी तरफ से 2020 की बहुत शुभकामनाएं। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी गति से होगी, आपको मेहनत करके छोटे छोटे फल प्राप्त होंगे, यानी आपकी मेहनत जो है वो ज्यादा होगी, फल थोड़े कम प्राप्त होंगे, यानी धीमी गति से आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। छोटे छोटे मुनाफे आपको होंगे, छोटे मुनाफों को बड़ा मुनाफा बनाने के लिए आप और कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं कामयाबी भी आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत के जो दिन हैं वो मेहनत भरे होंगे, यत्न करने पड़ेंगे, प्रयत्न करने पड़ेंगे, मुनाफे जो हैं थोड़े कम होंगे, लेकिन आपकी कोशिशें, आपका बुलंद इरादा आपको बड़ी कामयाबी भी दिलाएगा। तो निराश मत होइएगा, छोटे मुनाफे बड़े मुनाफों में कब बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। घर के बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे, या घर के अन्य जो सदस्य हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी मेहनत की कद्र करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कि कोई बात नहीं, कम आ रहा है लेकिन मेहनत तो अच्छी कर रहे हो या कर रही हो। तो यानी कि परिवार का साथ भी आपको मिलने वाला है, भाई बहन का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। यह सपोर्ट आपके मनोबल को और ऊपर बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपका मुनाफा भी बढ़ाएगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं, नहीं तो हानि हो सकती है। जब मुनाफा कम हो रहा हो और मेहनत ज्यादा हो रही हो तो डिप्रेशन में ना जाएं, और जब मुनाफा बढ़िया हो जाए, सबका साथ हो, तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं। इस दो बातों का ध्यान रखिएगा। सप्ताह के मध्य में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, धन का खर्च बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य बना के रखें, स्थिति एक दो दिन की है, नियंत्रण में हो जाएगी, खर्चे काबू में आ जाएंगे। कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यवसाय में कोई ऐसी जल्दबाजी या गलती ना करें जिससे आपको अपमानित होना पड़ सके या फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सके। सप्ताह के मध्य में आपके कुछ कामों में या तो विघ्न पड़ सकता है, या तो उन कामों को आपको छोड़ना पड़ सकता है, या विलंब हो सकता है, या तारीखों को आगे बढ़ाना पड़ सकता है, यानी कि जो तय था उससे चीजें आगे पीछे हो सकती है, नियमित समय पर चीजें नहीं हो पाएंगी, जो आपकी परेशानी का कारण हो सकता है। सप्ताह का मध्य थोड़ा सा थकान भरा होगा, निराशा भरा होगा, लेकिन आप रुकने वाले नहीं हैं, आप फिर भी तैयार रहेंगे चुनौतियों का सामना करने में। थकान के बाद, निराशा के बाद आप फिर उठेंगे, फिर चलेंगे और फिर कामयाबी की राह पकड़ लेंगे। आपकी कार्यकुशलता के आगे मुसीबतें कम होंगी, आपको फिर से परिवार का साथ, अपने सीनियर्स का साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 29 और 30 तारीख को आप धन का निवेश कर सकते हैं, आपके परिवार में कोई नया मेहमान जुड़ सकता है, या कोई रिश्तेदार बहुत करीबी आ सकता है जो लंबे समय तक आपके साथ रुके, आपके बच्चे कुछ बेहतर करके आपका नाम रोशन कर सकते हैं। साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को आपको बहुत जोश से भरा दिन रहेगा आपके लिए, आपके अंदर दम होगा कुछ कर गुजरने का, आप शायद वो हर काम कर जाएं जो नामुमकिन सा लगता हो, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, लेकिन सर्दी, खांसी और मौसमी बीमारियों से खुद को बचाइएगा। आज के दिन आप 2020 में नया वाहन लेने की सोच सकते हैं, आज अंतिम दिन 2019 के अंतिम दिन आपकी प्लानिंग्स हो सकती हैं कुछ बड़ा करने की 2020 में, और बड़ी अच्छी प्लानिंग्स होंगी जिसका फायदा आपको 2020 में मिलेगा। आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ बहुत रोमांटिक पल बिता सकते हैं, प्रेम संबंधों में हैं तो बढ़िया पल बिता सकते हैं, बाहर कुछ खाना पीना हो सकता है, मिलकर आप लोग तय करें कि आप लोगों को क्या करना है, जीवन साथी हो आपका या आपका प्रेमी हो, दोनों लोग मिलकर तय करेंगे कि घूमने जाना है, घर पे एंजॉय करना है, या क्या करना है, काम कैसे करना है, तो बहुत बढ़िया तालमेल आप लोगों का बना रहेगा। सप्ताह के बीच में छोटी छोटी यात्राएं भी होती रहेंगी, प्रेम संबंधों में या सप्ताह की अंतिम तारीखें बहुत बेहतरीन, मैंने आपको बताई, बढ़िया रहेंगी प्रेम संबंध, विवाह संबंध दोनों के लिए। सप्ताह में धन की कमी नहीं होगी, मेहनत जरूर होगी, परिश्रम जरूर होगा, लेकिन पैसा
आना रुकेगा भी नहीं, थोड़ा कम आ सकता है लेकिन पैसा आता रहेगा, निरंतर आता रहेगा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा करीब 60% ये सप्ताह आपको फेवर करेगा, लेकिन महीने की अंतिम तारीखें 30 और 31 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। कुल मिलाकर यह महीना थोड़ा सा मेहनत कराएगा, थोड़ा सा परिश्रम कराएगा, थोड़ी सी आपकी जो सूझबूझ है उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो मकर राशि वालों के लिए 22 से 31 दिसंबर का वक्त अच्छा ही कहा जाएगा, थोड़ी सावधानियां रख लीजिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, गायत्री मंत्र का पाठ करिएगा और इसके साथ साथ सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस सप्ताह में 22 से 31 के बीच में जो भी मंगलवार और शनिवार आते हैं इसमें पीपल के वृक्ष में जल दे दीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, आपको लाभ होगा। हनुमान मंदिर या शनि मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। माता पिता की सेवा करते रहिएगा। 2020 की शुरुआत करने के लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ जिससे आपकी 2020 की शुरुआत बहुत बढ़िया होगी और आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अपने घर के नज़दीक जो भी मंदिर है संभव हो तो वहाँ पर पैदल जाएं, अगर नहीं जा सकते हैं पैदल तो कुछ रास्ता पैदल जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, 2-4 कदम 10 कदम पैदल जरूर चलें। और उसके बाद वो मंदिर जिस भी भगवान का है, जिस भी ईष्ट का है, शंकर जी का है, शिव जी का है या हनुमान जी का है या दुर्गा माता का है, जिसका भी है, वहाँ पर जाकर आप कुछ मिठाइयाँ, कुछ गुड़ लोगों में वितरित करें प्रसाद के रूप में, या जो लोग बैठे होते हैं मांगने के लिए उनको दें, यानी कुछ मीठा, और अगर वो मीठा गुड़ से बना है तो बहुत बेहतरीन रहेगा। इससे आपका सौभाग्य चमकेगा और आगे आने वाला समय आपके लिए शानदार रहेगा 2020 का। आप सभी को 2020 की शुभकामनाएं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सप्ताह में आपका जन्मदिन है, मेरी एनिवर्सरी है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान आपको सभी इच्छित वर प्रदान करें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपने जो चाहा था वो आपको 2019 की इन अंतिम तारीखों में मिले और आपकी जो चाहते हैं वो 2020 में भी पूरी होती रहें। आपका सहयोग मिला चैनल को 2019 में, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरिओम।